international ramification. The drug transportation gang arrest kiya. Ye gang Rajasthan se 150 grams of heroin le aaya aur MDMA 32 grams of MDMA also wo le aaya. Pura international market mein 1 crore ka worth rahte. ये चार अक्यूज है, नरेंद्र बिश्नोई, प्रवीण बिश्नोई, हेमा राम एंड प्रकाश देवासी अलियास प्रकाश. ये चार लोग उधर से ले आए, वो पेडलर्स है और वो कंज्यूम करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी करते हैं. वो इधर ले आने के बाद राजस्थान से आ रहे हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स. वो उनका फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं. और ये रैपिडो वट एवर द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देयर उसे वो ट्रांसपोर्ट करके वो वांट्स टू बाइट उनको ये रीच होने के लिए वो उसका मॉडस ऑपरेंडी रखा है. वो ऐसा करने वालों को हम टीम्स राजस्थान को और इधर कोई स्टेट में ऐसा एक्टिविटी हमको सोर्स उधर है उधर भी हम टीम भेज रहे हैं और उन ऐसा लोग उनको वो सीरियस वे से प्रोसिक्यूट करके उसमें 10 इयर्स से वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक वो इसको पनिशमेंट रहते हैं. वो ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट डालने के लिए हम एफर्ट रख रहे हैं और हमारा मेन गोल है बेटर कन्विक्शन रेट इन दिस. सो इन्वेस्टिगेशन में भी हम फोकस कर रहे हैं प्रॉपर एविडेंस ले आके अच्छा कन्विक्शन रेट ये ड्रग्स केस में लेने के लिए एफर्ट रख रहे हैं. रिसेंटली वी हैड अ कन्विक्शन. Because you always you have been asking about the conviction. Peter, one person from Nigeria, is convicted for 3 years, who was accused in this transportation of drugs and all. A Nigerian is convicted for 3 years in a Rajakonda commission, Meerpet, I believe, police station law. And a case law, then he is charged in the conviction. Thank you.